कोई पुलिस वाला या कोई और अहलकार अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करते हुए बच्ची का कोई ना कोई रابطہ कराता है मुल्ज़िम की साइड से, तो हम इसको इमीडिएटली प्रॉपर फोरम पे रेज करेंगे। ये खदशा आज हमने आज की एप्लीकेशन में भी अपने रखा है, बताया है जज साहब को पहले से। क्योंकि देखिए, जब हम इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जो मज़लूम है वो एक बच्ची है, तो वो तो इन्फ्लुएंस हो सकती है ना। बड़ा जो मोहतरम बेंच है उसकी नॉलेज के अंदर हम एज आर ड्यूटी वो सारे ऑर्डर्स लेके आए हैं जो ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन जो मेडिकल की थी और उसके बाद जो एक सिविल सूट फाइल किया था वालिद साहब ने हत्या की इज्जत का, उसमें जो ऑर्डर्स मखसूस आए हुए हैं कि बच्ची की आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना हो मीडिया के ऊपर, जिसका चेहरा बार बार ना दिखाया जाए, उसका नाम बार बार ना लिया जाए। और इस हवाले से आपको पता है पीटीए को डायरेक्शंस दी हुई हैं कि किस तरह की कोई भी लिंक्स उनको रिमूव किया जाए। तो खदशा ये था कि कल जब बच्ची आएगी, आपको पता है ये केस जितना मीडिया के अंदर हाईलाइट हुआ है और फॉलो हुआ है, तो हमारे यहाँ एक एक्सक्लूसिव फुटेज की दौड़ होती है जी। और अब चलिए मीडिया तो फिर भी पैमरा के तहत एक नज़्म ज़ब्त का कायल है, मगर बहुत सारे हमारे दोस्त जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और अब सहाफ़त को परसू कर रहे हैं अपने इंडिपेंडेंट अंदाज में, वो ना ट्रेंड हैं ना किसी डेकोरम के कायल हैं। तो कोई तूफ़ान बदतमीज़ी कल ना हो, कोई चीखो पुकार कल ना हो, कल कोई अनप्लेजेंट वाक़या ना हो, इवन फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यू लेना चाह रहा हो और पुलिस कंफ्यूज हो जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना, चूँकि डायरेक्शंस वाज़े नहीं हैं, तो बेहतर है कि अदालत एक दे देती प्रोटोकॉल बना के। हमने ये दरख्वास्त की थी तो सामने की तरफ से जो वकील थे वो भी मौजूद थे आज मुल्ज़िम के, उन्होंने भी इस बात पे रजामंदी और कंसेंट दी, और बाय कंसेंट ये ऑर्डर हुआ है कि जब तक कल बच्ची अदालत में पेश होकर जज साहब के सामने अपनी स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कर देती, जो पुलिस ऑफिसर आईयू हैं और जो साथ में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि ना कोई मीडिया उससे एक्सेस करेगा बच्ची को, ना किसी किस्म का उसका कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। एक बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए, अदालत फैसला कर ले, उसके बाद जो मजीद कार्रवाई होगी वो अदालत फिर कल अपने फैसले में सुनाएगी। तो उम्मीद ये है कि कल प्रॉपर फुल सिक्योरिटी के अंदर पुलिस की और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बच्ची आएगी, और जो पहला मुकालमा किसी से भी करेगी अदालत में, ना वो मुल्ज़िम होगा ना वो वालदैन होगा, वो जज साहिबान मोहतरम होने चाहिए। अदालत का यही मेरे ख्याल में जस्टिस की यही रिक्वायरमेंट है कि एक फ्री माइंड से बगैर किसी से भी इन्फ्लुएंस हुए हुए अदालत को बताए बच्ची कि वो क्या चाहती है, फिर सेंस ये डिक्टेट करती है। और दूसरा देखें, आम लोगों के हवाले से ट्रायल कोर्ट का ऑलरेडी एक ऑर्डर है 14 सितंबर 2022 का, जिसमें मुल्ज़िम ने दरख्वास्त लगाई थी कि मुझे लड़की से मिलने दें, और अदालत ने ये कह के कि चूंकि इसमें किडनैपिंग, चाइल्ड मैरिज, इलीगल कन्फाइनमेंट और ट्रैफिकिंग जैसे संगीन इल्ज़ाम हैं, तो और इनके हवाले से खास कानून बने हुए हैं, इसलिए लड़के को मुलाकात नहीं की इजाज़त नहीं है, वो ऑर्डर आज भी पेंडिंग है। बेशक मजीद हाई कोर्ट ने कोई डायरेक्शन इस हवाले से पास ना किया हो, मगर उस ऑर्डर की तो वायलेशन हो जाएगी अगर आप कोर्ट प्रेमिसेस इस्तेमाल करते हुए पुलिस अपनी तहवील में लड़के की या किसी भी कोक्यूज की लड़के को खानदान वाला उससे मुलाकात कराती है। तो मैंने तो आपसे एक फेयर बात की ना कि कल मेरा भी अपने क्लाइंट्स को यही एडवाइस और मशवरा है कि हम भी बच्ची को अप्रोच नहीं करेंगे बात करने के लिए, बट अगर हमें ऐसा कोई सिनेरियो नजर आता है कि कोर्ट के अहाते को या रास्ता जो तय हो रहा है, सफर बीच में तय हो रहा है एक एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि वालदैन की अब तक जितनी भी मुलाकातें बच्ची से हुई हैं वो तो या किसी फैमिली जज की प्रेजेंस में हुई हैं या वो सीनियर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की मद में हुई हैं, वो तन्हाई में तो नहीं हुई हैं। मगर जो पुलिस अहलकार आएंगे वो कोई बहुत सीनियर पुलिस अहलकार तो नहीं है, एक आईयू को छोड़ के जो डीएसपी रैंक है, बाकी तो जूनियर रैंकिंग ऑफिसर है, उनको थोड़ी पता है कि क्या इससे मॉनिटर करनी गुफ्तगू और क्या इसने रश्म गुफ्तगू हो रही और क्या पैगाम दिया गया और क्या पैगाम नहीं दिया गया। तो हम तो ऐसे सिनेरियो में कभी थे ही नहीं कि हम लड़की पर कोई दबाव डाल सके, क्योंकि ये एक और बात है कि जब भी हमें जिस इदारे से रिलीफ मिलता है सामने वाले साइड कहती है कि वो पूरा का पूरा इदारा ही बिक गया। यह पता है कि बातें ना सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में या लोअर जुडिशरी के जजेस के बारे में बल्कि सीनियर जुडिशरी के जजेस के बारे में भी कलमात अदा किए गए हैं, तो वो तो अपनी इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे। बट मेरे ख्याल में फेयरनेस यही है कि दोनों पार्टीज जो हैं बच्ची को अप्रोच ना करें और बच्ची को अदालत को बताने दें कि वो क्या चाहती है, ख़ास तौर पर जिनको ये कॉन्फिडेंस है कि हमारी फेवर में बयान आना है, उनको तो फिर बिल्कुल नहीं इस बारे में कोई इशू होना चाहिए। अच्छा, एक आपके शायद अगर मुनासिब समझें तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि मुल्ज़िम की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है, आपकी शायद नॉलेज में हो, क्योंकि उस वक्त जब चैम्बर में समाअत हुई आप नहीं गए, लेकिन जब आपकी दरख्वास्त की समाअत हुई तो फिर मुल्ज़िम के वकील भी अंदर आए। नॉर्मल डेकोरम तो यही है कि जब पहली हियरिंग है और आपको नोटिस नहीं है तो आपके इल्म में भी है तो आप चैम्बर में मत जाइए। मैं भी आज एक्सपेक्ट कर रहा था, बट चले अदर साइड आ गई चैम्बर में और उन्होंने हम पे मेहरबानी की कि उन्होंने कंसेंट ऑर्डर दे दिया, तो खुशसलूकी से एक मामला हो गया, हम उसको अपोज नहीं करेंगे। इनकी जो एप्लीकेशन है उससे वाकिफ हूँ, उन्होंने दरख्वास्त लगाई है कि लड़की की कस्टडी मुल्ज़िम को दी जाए और साथ में दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। अब उसके क्या मेरिट्स हैं क्या नहीं है
वो ऑफ कोर्स अदालत सुनेगी मामले को, हम फिर उसके साथ अकॉर्डिंगली उसको आगे करेंगे। सारे केसेस को यकजा किया गया, सारे कल ही एक साथ चलेंगे मेरे ख्याल में, वो दोनों को साथ ही उठाएंगे और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनको कितना आगे तवील चलाना है, बिकॉज इसमें से कुछ रेमेडीज या कुछ प्रेयर्स ऐसी हैं जो हो सकता है कल की पेशी के बाद अगर कस्टडी का मामला डिसाइड भी हो जाता है तो फिर उसको मजीद हेयरिंग दरकार हो, क्योंकि हमने भी मुलाकात और प्रोटेक्शन के हवाले से जो है कुछ दरख्वास्तें की हुई हैं, इन्होंने भी की हुई।